क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को केवल 3 मिनट में रीप्रोग्राम करके आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी एफर्मेशन आप रिपीट करेंगे वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप वही काम करेंगे जो आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए सही है और आपके गोल के लिए सही है। दोस्तों, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जहाँ पर हर मिनट 4 मिलियन से 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर मिनट आपके दिमाग में जाती है, जिसमें से केवल 40 का आपको पता है कि 40 इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये मेरे दिमाग में जा रही है, क्योंकि उसके प्रति आप कॉन्शियस हैं कि वो आपके दिमाग में जा रही है। आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी से अपने दिमाग पे ले रहे हैं, लेकिन बाकी की 90% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मिलियंस में इंफॉर्मेशन है और आपको केवल 40 पता है, लेकिन बाकी की 90% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सीधा आपके माइंड में जा रही है और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम हो रही है, जिसके कारण आप उसी तरह के एक्शंस लेते हैं, उसी तरह के लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और उसी तरह के रिजल्ट आपको अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को केवल 3 मिनट में रीप्रोग्राम करके आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि उस एक्सरसाइज से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से रीप्रोग्राम कर लेंगे कि जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं आप अपने लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं और जो भी आप पाना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, केवल ऐसे ही वर्बली बोलते हैं, नई रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, नई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं कि मैं इस तरह के काम करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते क्योंकि वो लोग अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाए कैसे भी करके और मैं ये एक्शन लूंगा, लेकिन वो काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये 3 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज में जो भी एफर्मेशन आप रिपीट करेंगे वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप वही काम करेंगे जो आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए सही है और आपके गोल के लिए सही है, और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, बिजनेस, सक्सेस, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको टोटल 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसमें से 7th स्टेप उस तरह है जैसे कि हम कोई नया घर बनाते हैं तब हम वहाँ पर ईंटा लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, आप देखे होंगे ईंटा लगती है फिर सीमेंट लगती है और उसके बाद जब पूरा घर तैयार हो जाता है तो वो होते हैं 6th स्टेप। उसके बाद जो 7th स्टेप है वो उस तरह है जैसे कि हम घर में पानी डाल के पूरे घर को मजबूत करते हैं कि हमारा जो सीमेंट है वो एकदम फिक्स रहे और घर हमारा ना टूटे। इसीलिए जो 7th स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम फिक्स आपके दिमाग में बैठा देगा, आपके एफर्मेशन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से रीप्रोग्राम कर देगा कि आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, केवल अपने लक्ष्य की तरफ, केवल अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं आप उसको ईजीली अचीव कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से उन 7 स्टेप्स के बारे में जानते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि आपको अपने गोल के बारे में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है। स्टेप 1 इज राइटिंग योर एफर्मेशन। एफर्मेशन लिखना है आपको अपने डिज़ायर के लिए, जैसे कि अगर मैं हर महीने 5 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम नाउ मेकिंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ हैप्पीली एंड ईजीली। ठीक है, इस तरीके से आप एफर्मेशन लिख सकते हैं, कोई भी आप इच्छा, आपकी जो भी इच्छा आप उसके लिए एफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एफर्मेशन ईबुक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जहां से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन आसानी से, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी एफर्मेशन ईबुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी एफर्मेशन लिखने में। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको मेडिटेशन मोड में आना होगा क्योंकि आपको विजुलाइज करना होगा अपने डिज़ायर को। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, 4 सेकेंड आपको ब्रीदिंग करना है, उसके बाद फिर आपको रुक जाना है, अपनी सांसों को 4 सेकंड के लिए रोकना है और 4 सेकंड के बाद आपको ब्रीद आउट करना है। इस तरीके से 444 टेक्निक से आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग करने के बाद क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस समय जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलते हैं या जो भी आप मुँह से बोलते हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुँचती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम बहुत तेज़ी से होता है।
थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। इस स्टेप को ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अपना राइट हैंड लेना है और अपने माथे पे इस तरीके से रखना है। अभी मैं पगड़ी पहना हूँ तो मेरा जो राइट हैंड है वो पूरा मेरे माथे को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पूरा कवर करना है। ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपकी थर्ड आई है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। और आपको जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको पीछे वाले जो सिर का पीछे का हिस्सा है वहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीपिटल लोब रहता है जो आपके विजन को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आपको रखना है। ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद जब जो भी आप अपने डिज़ायर को बोलते हैं इस वक्त, ऐसा करने के बाद तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में इसी तरीके से ऐसे ही पोजीशन में रखकर आपको अपने डिज़ायर को बोलना है। आप चाहें तो इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ पर माथे में प्रेस करें, पीछे से प्रेस करें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्री प्रोग्राम को जो भी आप बोल रहे हैं, तो ऐसा प्रेस करते करते आप बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम नाउ मेकिंग 5 lakh rupees पर मंथ हैप्पीली एंड ईजीली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम नाउ मेकिंग 5 lakh rupees पर मंथ happily and easily। इसी तरीके से आपको अपने affirmation को 1 से लगभग 3 minute तक आपको repeat करना है। बार बार अपने affirmation को repeat करना है और affirmation repeat करने के बाद आप ये बोल सकते हैं जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, This is my new truth and my new reality। यही मेरी नई सच्चाई और मेरी नई हकीकत है। इस तरीके से आपको 5th step पे ये affirmation बोलना है। और इसके बाद जब आप एफर्मेशन रिपीट कर लें और ये स्टेटमेंट रिपीट कर लें, इसके बाद आपको अपना हैंड रिलीज कर देना है। उसके बाद फिर से आपको 444 टेक्निक से आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड के लिए सांस को रोकना है और 4 सेकंड के बाद सांस को छोड़ देना है। ये हो गया 6th step। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी कि 7th step। 7th step में आपको क्या करना है, आँखें बंद करनी है और जो भी आपने बोला है अपने डिज़ायर के लिए और जो भी आपने बोला है कि यही मेरी नई सच्चाई और यही मेरी नई हकीकत है, आपको आंखें बंद करके यस बोलना है। यस यस यस, आंखें बंद करके आपको बोलना है यस। और आप सिर हिला सकते हैं यस यस यस, क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम जो भी चीज़ नेगेटिव बोलते हैं उसके लिए हम बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से मानता हूँ। लेकिन जब आप अपने एफर्मेशन को बोलेंगे, जब आप बोलेंगे कि यही मेरी नई सच्चाई और यही मेरी नई हकीकत है, उसके बाद फिर आप डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स करके आप बोलेंगे कि यस यस, तब आप उसको सीमेंट को पानी डाल रहे हैं, उसको और मजबूत बना रहे हैं कि हाँ, यही आपकी नई सच्चाई है और यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो चुका है कि आप इसको अचीव करने वाले हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ये 3 मिनट की एक्सरसाइज केवल 21 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे जो भी आपने अपने एफर्मेशन में बोला है। और अगर आप एफर्मेशन लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप आसानी से एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में और आपकी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में। तो आपके लिए एक टास्क है कि मेरी एफर्मेशन ईबुक से आपको केवल एक एफर्मेशन क्रिएट करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। Thank you so much everyone for watching this video. God bless you.